तो भाई जिस आइडियोलॉजी की वजह से सुरेश रायना के ऊपर अटैक हुआ है, उसी आइडियोलॉजी ने अभी हाल में ही साउथ अफ्रीका को भी कोलैप्स किया है। और ये आइडियोलॉजी क्या है और क्यों इस आइडियोलॉजी से लड़ना बहुत जरूरी है, उसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। हेलो हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको प्रणाम। तो भाई जिस समय पर मीराबाई चानू इंडिया के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतने में बिजी थी, उसी समय पर हमारे देश के लेफ्टिस्ट भी ऑपरेशन ओलंपिक्स में मेडल जीतने में बिजी थे। पिछले हफ्ते आपने देखा ही होगा किस तरह से सुरेश रैना के ऊपर एक मेल्टडाउन हुआ था, क्योंकि सुरेश रैना ने एक इंटरव्यू में सिर्फ कह दिया था कि भाई शायद मैं भी एक ब्राह्मण हूं, और सिर्फ इस वजह से इनके ऊपर अटैक होना शुरू हुआ। लोगों ने कहा कि भाई ये अपने कास्ट के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, रैना और रविंद्र तुम अपने द्विज कास्ट को क्यों इस तरह से कर रहे हो। कुछ लोगों ने तो भैया कसम से ब्राह्मण बैट्समैन और शेड्यूल कास्ट बैट्समैन के बैटिंग एवरेजेस कंपेयर करना शुरू कर दिए। दस्तार से कान पक गए हैं, सुन सुन फिर भी सुनना पड़ेगा। दस साल से जो नौटंकी हो रही है सब करनी पड़ेगी, डेली करनी पड़ती है वो नौटंकी। लेकिन तुम गुस्सा कह रहे हो रे, हम सुनाए को सुनना सुना दे तो मरो जाके। कमाल की बात तो ये है ना भाई कि जो लोग 24 घंटे अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपनी जेब में लेके घूमते हैं, जिन लोगों की सारी आइडेंटिटी अपने कास्ट से जुड़ी हुई है, जो लोग अपने कास्ट का नाम लिए बिना हग नहीं सकते, वो लोग सुरेश रैना को अपनी कास्ट का नाम लेने के लिए गरिया रहे हैं। मतलब ये तो वही बात हुई कि राज कुंद्रा नाराज हो रहा है कि उसका बेटा पॉन क्यों देख रहा है। अबे तू अपने गिरेबान में तो झांक ले। एक बात मैंने काफी इंजॉय की, रविंद्र जडेजा ने इन लोगों को ट्रिगर करने के लिए फिर से ट्विटर पे राजपूत बॉय ट्रेंड करवा दिया। हम किसके सामने जाके रोए, हम कहा माथा पीटे। अरे तुम हमारे सामने रोया करो, हम पुचकारेंगे तुमको। इस बात के बावजूद कि पहले रविंद्र जडेजा को भी अपने कास्ट का नाम लेने के लिए अटैक किया जा चुका है, तो ये काफी चैड मूव है एंड आई रिस्पेक्ट इट। और इस तरह के अटैक में ना कई इंटरेस्टिंग और फनी चीजें भी हैं। पहली बात तो ये लेफ्टिज्म इतना बड़ा एक कल्ट और एक माफिया बन चुका है इस समय पर कि आप कितनी भी बार इनके फेवर में बोल लीजिए, एक बार भी आपने अगर इनके अगेंस्ट बोला तो ये आपको लात मार के बाहर निकालेंगे और आपका करियर खत्म कर देंगे। रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना दोनों लेफ्टिस्ट कॉजेस को पहले सपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको इस माफिया से प्रोटेक्शन नहीं मिलती। सेम चीज हमारे अपने दुग्गल साहब के। अबे यार ये जर्मन शेफर्ड के भौंकने की आवाज किसने डाली इसमें, मत करो यार, दैट्स नॉट नाइस। दुग्गल साहब ने भी एक बार ब्लैक लाइव्स मैटर पर सवाल पूछ दिया था तो इनको इतने अटैक मिले थे लेफ्टिस्टों से। और ये माफिया और ये जो एक रिलीजियस कल्ट बन चुका है इस समय पर, उसने तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कि भाई सफाई कास्टिस्ट है। बंद करो यार ये सब। अब तो साफ सुथरा रहना भी एक तरह का कास्टिज्म है। नीना गुप्ता को अटैक किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक ऐड किया था जिसमें वो कह रही थी कि हमें खुला पनीर नहीं खरीदना चाहिए, हमें साफ पैकेज्ड पनीर खरीदना चाहिए। मतलब हम गधे हैं, हैं? हम गधे हैं। और क्या? सही बात है। इसी तरह से नहाना और पिछवाड़ा धोना ये भी कास्टिस्ट है। आप तो जानते ही हैं कि ये कितना सेक्युलर चैनल है, इसीलिए मैं भी अपने सेक्युलर चैनल से एक गुहार लगाना चाहता हूं आपकी तरफ कि अगर आप भी फैशिज्म और कास्टिज्म से लड़ना चाहते हैं, आप भी अगर एक इक्वालिटी से भरी हुई सोसाइटी देखना चाहते हैं, तो प्लीज आज से नहाना और पिछवाड़ा धोना बंद कर दीजिए। अगर आप अपना पिछवाड़ा धोते हैं हगने के बाद तो आप फैशिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो प्लीज ट्रेंड कीजिए मेरे साथ सोशल मीडिया पे, स्टॉप वॉशिंग एस। दूसरी फनी बात इसमें यह है कि भाई हम कभी भी मुस्लिम्स को और इंडिया के क्रिश्चियंस को उनके पूर्वजों ने हिंदुओं के खिलाफ क्या अत्याचार किए थे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं। इन लोगों को इनके पूर्वजों के एक्शंस के लिए कभी भी शर्मिंदा नहीं फील करना चाहिए, लेकिन हिंदू ब्राह्मणों को बिल्कुल हम दोषी ठहराते हैं और उनको शर्मिंदा भी फील करना चाहिए उनके पूर्वजों के एक्शंस के लिए। मतलब कसम से अगर आप मुस्लिम्स के और क्रिश्चियंस के जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं उसको हिंदुओं से कंपेयर करेंगे तो भैया एटम बम और सुतली बम का डिफरेंस है। अगर गफूर चाचा अपनी दाढ़ी बढ़ा लें, दाढ़ी में थोड़ा हिंदुत्व डाल लें और अपने छोटे भाई की पतलून पहन लें तो वो भैया सच्चे मुसलमान है, हैं असली मुसलमान है। लेकिन अगर एक आदमी जनेऊ डाल ले, तिलक डाल ले तो वो फैशिस्ट है। ये तराजू तौल ले, तब मुख बहरानी, ये नहीं कुछ भी।
बताया जा दिमाग में सीधा भर 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 निकल ला भूसा फैक्ट्री जैसा। और ये देखिए एटीट्यूड काफी बेवकूफाना है, इस पे हम लोग हंसते भी हैं, लेकिन ये एटीट्यूड जिस आइडियोलॉजी से आता है ये आइडियोलॉजी भी बहुत डेंजरस है। ये आइडियोलॉजी लिटरली देशों को बर्बाद कर चुकी है। यही आइडियोलॉजी है जिसने हाल में ही साउथ अफ्रीका को बर्बाद किया है, जो अमेरिका के लिबरल सिटीज को बर्बाद कर रही है, जहां पर बड़े बड़े कॉरपोरेशंस इन शहरों को छोड़कर रिपब्लिकन शहरों में भाग रहे हैं। और इसी आइडियोलॉजी ने इंडिया के कई कैंपसेस को भी इन्फेक्ट करके रखा हुआ है। साउथ अफ्रीका के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी हाल में ही साउथ अफ्रीका में पूरी तरह से उसकी सोसाइटी और उसका लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। Eastern provinces of KwaZulu-Natal to Johannesburg's economic hub. All of the doors are open. People are walking in. Highways on fire, skies full of smoke. The police hopelessly outnumbered. अब लोग आपको बताएंगे कि ये हालत जेकब जुमा के करप्शन की वजह से हुई है, और इस बात में सच्चाई है, लेकिन असलियत ये है इस पूरे मामले की कि एक आइडिया ने साउथ अफ्रीका का ये हाल कर रखा है। वही मार्क्सिस्ट आइडिया जो आजकल एक दूसरे नाम से घूम रहा है, जिसको अमेरिका में क्रिटिकल रेस थ्योरी कहा जाता है, और जो कई देशों में इंक्लूडिंग इंडिया में काफी बुरी तरह से घर कर चुका है। ये आइडिया है जो इक्वालिटी ऑफ आउटकम को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के ऊपर रखता है, और ये कहता है कि अगर दो लोगों में कोई भी डिफरेंस है तो वो रेसिज्म और कास्टिज्म की वजह से है। सारे गोरे लोग और सभी ब्राह्मण, हमेशा उनकी फितरत ही है डिस्क्रिमिनेशन करना, तो इसलिए इन लोगों को पोजीशंस ऑफ पावर से हटाना जरूरी है और इनकी जगह दूसरे कलर के लोगों को, दूसरे कास्ट के लोगों को बिठाना जरूरी है। ये है क्रिटिकल रेस थ्योरी का बेसिक आइडिया, जो अमेरिका में इब्राहिम एक्स कैंडी जैसे लोग फैला रहे हैं, जिसको ट्विटर बाय द वे स्पॉन्सर करता है, और रॉबिन डियांजेलो जैसे लोग न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर्स लिख रहे हैं। और इसी आइडिया को अब इंडिया में भी जय भीम जय मीम के जो एक्टिविस्ट और सपोर्टर्स हैं वो लोग फैला रहे हैं। आप देखिए किस तरह से इस तरह की जो हेट्रेड है उसने साउथ अफ्रीका को तबाह किया है। 2010 में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जेकब जुमा अपने देश की व्हाइट माइनॉरिटीज को गोली मारने वाला गाना गा रहे थे। इमेजिन कीजिए अगर इस तरह का गाना मुस्लिम्स के बारे में इंडिया में कोई पॉलिटिकल लीडर गाता तो। देखिए यहां पर मैं इक्वालिटी के बारे में आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूं, इक्विटी और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी खासकर बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम को सपोर्ट करता हूं, एज लॉन्ग एज इस रिजर्वेशन सिस्टम में एक सनसेट क्लॉज हो। लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या हुआ कि इस इक्वालिटी ऑफ आउटकम वाली आइडियोलॉजी ने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और एक्सपर्टीज के कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से साइड में कर दिया। सोसाइटी के हर एक पहलू में, चाहे जॉब्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे गवर्नमेंट हो, हर चीज में इस इक्वालिटी ऑफ आउटकम को डालना जरूरी था। साउथ अफ्रीकन कॉर्पोरेशंस को अपने बड़े बड़े जो ओनरशिप स्टेक्स थे वो ब्लैक साउथ अफ्रीकन पार्टनर्स को देने पड़े, वेदर और नॉट ये जो पार्टनर्स आ रहे थे इनके पास प्रॉपर एक्सपर्टीज था कि नहीं। कई कंपनीज के ऊपर भी कोटा डाल दिए गए कि उनके जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सीनियर मैनेजमेंट हैं, उनको भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिखाना जरूरी है, चाहे इस रिप्रेजेंटेशन की प्रॉपर एक्सपर्टीज हो या नहीं। साउथ अफ्रीकन बिजनेसेस ने इवेंचुअली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी अप्लाई करना बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ब्लैक ओन्ड बिजनेसेस के पास जाने वाले हैं, चाहे उन बिजनेसेस का कॉस्ट दुगना हो, तिगना हो या 10 गुना हो। इस वजह से कई साउथ अफ्रीकन कंपनीज जो हैं वो साउथ अफ्रीका में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी काफी अनकंपेटिटिव हो गए। और साउथ अफ्रीका में देखिए इंडिया जैसा क्रीमी लेयर वाला कानून भी नहीं है कि भाई किसी कास्ट का सिर्फ क्रीमी लेयर सारे रिजर्वेशंस के ऊपर, बेनिफिट्स के ऊपर कब्जा नहीं जमा सकता है। लेकिन साउथ अफ्रीका में यही हुआ। सिर्फ जो साउथ अफ्रीकन ब्लैक कम्युनिटी के एलीट लोग थे, जिनके गवर्नमेंट से कनेक्शन थे, पॉलिटिशियन से कनेक्शन थे, ब्यूरोक्रेट से कनेक्शन से, सिर्फ उनका फायदा हुआ। और जो गरीब साउथ अफ्रीकन ब्लैक पॉपुलेशन थी, जिसके कोई कनेक्शंस नहीं थे, उनका कभी भी फायदा नहीं हुआ। उनकी आज हालत और भी खराब है कि 63% जो यंग ब्लैक पॉपुलेशन है साउथ अफ्रीका की, वो जॉबलेस है इस समय पर। तो एक आइडिया
जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स की अपलिफ्टमेंट करना चाहता था, उस आइडिया की वजह से ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स की और भी हालत खराब हो गई है और लोगों ने फाइनली इसको रियलाइज करना भी शुरू कर दिया है। एक सर्वे किया था इंस्टीट्यूट ऑफ रेस रिलेशंस ने 2021 में, उसमें सिर्फ 3% ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स ने कहा था कि रेसिज्म साउथ अफ्रीका में सीरियस प्रॉब्लम है। उसके ऊपर से 83% ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स ने कहा कि साउथ अफ्रीका के जो पॉलिटिशियंस हैं वो रेसिज्म का सिर्फ एक्सक्यूज बनाते रहते हैं अपने खुद के फेलियर्स को छुपाने के लिए। सोचा जाए तो यार इंडिया में भी इस तरह के कुछ चंटू चंटाप घंटू घंटाप लीडर्स हैं और इस तरह के पॉलिटिकल लीडर्स और कॉलेज कैंपसेस से ये जो आइडियोलॉजी है ये देश में घुसने की कोशिश कर रही है। ये जो क्रिटिकल रेस थ्योरी है ना, ये बेसिकली वही पुराना मार्क्सिस्ट डॉग्मा है जिसमें क्लास की जगह रेस और कास्ट आ जाता है। यानी बुर्जुआजी की जगह आपने गोरों और ब्राह्मणों को डाल दिया और प्रोलेटेरियट की जगह आपने डाल दिया मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को। तो बेसिकली एक इक्वालिटी वाली सोसाइटी बनाने के लिए इस बुर्जुआजी का यानी ब्राह्मणों का खात्मा करना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी कोई ब्राह्मण होने की बात करता है या सिर्फ अपने कास्ट का नाम लेता है उसको इतनी हेट मिलती है। इस आइडिया को देखिए लेफ्ट लिबरल्स तो सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो हिंदुओं से और हिंदुइज्म से और इंडिया के हिंदू कल्चर से नफरत करते हैं, और इस्लामिस्ट और मिशनरीज भी जो हैं वो भी इन्हीं रीजंस की वजह से इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर से इस आइडिया के वजह से उनको कन्वर्जन करने में भी आसानी होती है। तो ये क्रिटिकल रेस थ्योरी का जो आइडिया है, ये इक्वालिटी ऑफ आउटकम ओवर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो आइडिया है, इस आइडिया के बारे में हम लोगों को सीखना जरूरी है और इससे लड़ना बेहद जरूरी है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह के आइडिया को आपने भी अपनी लाइफ में कभी नोटिस किया है, हाँ या ना, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थम्स अप कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, यूट्यूब पर मेंबर बनिए, पेटीएम पर मेंबर बनिए। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।